इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान साक्षात श्री अयोध्या जी में अंशावतार है ना, अनशन सहित मनुज अवतार ले हूँ दिनकर, अंशों के साथ, अंशावतार नहीं, अंशों के साथ अवतार लिए और नाना विधि लीलाएं दर्शा रहे हैं, सबको आनंद प्रदान कर रहे हैं। यहाँ एक दोहा है और पूर्व में है, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सौवज प्रेम भगते बस मां कौशल्या की। धीरे धीरे समय बीता, बड़े हुए सरकार हमारे, तो माता पिता गुरु सानिध्य में यज्ञोपवित संस्कार संपन्न कराए। यज्ञोपवित माने जनेऊ संस्कार संपन्न हुआ। जनेऊ धारण करने के बाद वेद मंत्र बोलने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो वेद मंत्र का पाठ करेंगे, ये तदर्थ जनेऊ आवश्यक है। संस्कार से जीव को श्रेष्ठत्व की प्राप्ति होती है। जिस स्थान वस्तु और व्यक्ति में संस्कार नहीं होता है उसमें श्रेष्ठत्व उपस्थित नहीं होता, उसका आधान नहीं होगा। संस्कार की निश्चित परिभाषा है, जड़ी का संस्कार तो दवा बन जाती है, मनुष्य में संस्कार आवे तो शीलवान हो जाता है। संस्कार श्रेष्ठत्व न हो तो बोलना भी नहीं आता है लोगों को, कुछ का कुछ बोल जाएंगे। मनुष्य केवल बोले तो उसकी उपज का पता चलता है, ये संस्कार। कई लोग जो शीलवान होते हैं वो कड़वा बोल नहीं पाते हैं, और कई लोग जो कड़वा होते हैं उनकी वाणी में शीलता उपस्थित नहीं हो पाती। लेकिन राम भजन एक ऐसी महिमा है, एक ऐसी बूटी है, किसके प्रभाव से कड़वा कर्कश बोलने वाला भी मीठा बोलने लगता है। इसका प्रभाव है, प्रताप है, धीरे 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 सहज हो जाता है। अब गुरुकुल में अध्ययन के लिए गए प्रभु भैया लोगों के साथ, भय कुमार जब ही सब भ्राता, गुरु गृह गए पढ़न रघुराय, अलप काल विद्या गुरुदेव ने सिखाया, वेद पुराण सुन ही मन लाई, आय सुमांग कर ही अनुज सखा संग भोजन कर, और चौथी बात, आय सुमांग कर देख चरित हर सलीमा। आज्ञा पालकता चारों भाइयों में अवस्थित, इससे महाराज और माताओं को बड़ी प्रसन्नता होती है। भगवान आज्ञा मांग कर व्यवहार करते हैं। आय सुमांग यह रामचरित्र, रामचरित्र में कहीं आप दोष नहीं पाएंगे।
मेरे राम जी सर्वकाल अदोष है। आपको कहीं दिखाई पड़े तो दिखाइएगा, अदोष राम है। किसी भी स्थिति परिस्थिति मनस्थिति में राम जी किसी पर दोष लगाते नहीं, स्वयं भी उसमें जाते नहीं। इसलिए भगवान का बैरू राम बड़ाई, शत्रु भी उनकी प्रशंसा करते, ऐसा राम जी का स्वभाव है। तो देख चरित हर शही मन, महाराज प्रसन्न होते। पुत्र वही सौभाग्यशाली है जिसके चरित्र का दर्शन करके पिता को आह्लाद हो। एक किसी महापुरुष ने लेख लिखा है, बड़ा सुंदर लेख। पुत्र के ऐश्वर्य का दर्शन करके पिता को जो आनंद प्राप्त होता है वो इंद्र को भी प्राप्त नहीं हो सकता, क्यों? इंद्र के पुत्र जयंत शालीन नहीं है। और पुत्र में शालीनता हो ये पिता का सौभाग्य, उसका बार बार स्मरण करना चाहिए। इसीलिए चक्रवर्ती महाराज मेरे राम जी आय सुमान देख चरित महाराज मन ही मन प्रसन्न हो। क्यों? राम जी की शीलता शालीनता का दर्शन कर, ध्यान रखिएगा, राम जैसा पुत्र भया नहीं, राम जैसा पिता भी भया नहीं, राम जैसा मित्र भया नहीं और राम जैसा शत्रु भी भया नहीं, राम जैसा राजा भया नहीं, राम जैसा पति भया नहीं। मेरे राम जी ने हर रिश्ते को बहुत सावधानी से, राम जैसा जमाता नहीं भया हो, आप मिथिला में राम जी के जमाता भाव का दर्शन करेंगे, आहा क्या बात। जनक राज मां सुवेना कितने गदगद है, ऐसे जमाई को पाकर। सभी रिश्तों में एक सहज भाव का दर्शन हो बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन है। लेकिन वारे मेरे प्रभु अद्भुत। इसलिए देख चरित हर शही जहबिद सुखी हो ही और लोगा कर ही कृपा निधि सोई संजोग। नगर के लोग जैसे प्रसन्न रहें मेरे राम जी वैसा ही व्यवहार करते, इसलिए सारी प्रजा राम जी को बहुत प्रेम करती। देखिए किसी पर चिल्ला उठना, किसी को डांट लगा देना, किसी पर डपट लगाना, किसी को बुरा भला कह देना, ये तो सरल है। किसी को प्रेम देकर अपना बनाना सरल नहीं है, बहुत कठिन। प्रेम खेती में नहीं बनता, प्रेम जीवन में होता है। और मेरे राम जी को तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम जी केवल जीव के अंदर बैठे प्रेम से स्नेह करते। राम जी का प्रेम वस्तुगत नहीं है, व्यवहारगत है। वहां चलिए,
केवट जी ने जब पांव पखारा, केवट चाहते क्या है भगवान से? प्रभु के पांव पखार लो और उसमें जो चरण में रज है उसका पान कर, क्योंकि लक्ष्मण जी महाराज ने कहा था, सखा परम परमार्थ हे मन क्रम वचन राम प्रेम मन प्रेम। केवट जी को राम पद में प्रेम है, शबरी मैया को भी राम जी के पद में प्रेम है। कही कथा सकल बिलोक हरिमुख हृदय पद पंकज धरे तजी जोग पावक देह। सबको भगवान के पद में, हे नाथ। अहल्या माँ क्या कहती है? पद कमल परागा रस अनुराग मम मन मनो पकड़े पद कमल परागा रस अनुराग मम मन मनो पकड़े। मेरा मन आपके श्री चरण कमलों का भ्रमर बनना रहे और अमृत रस पराग प्राप्त कर। बाली राम चरण दृढ़ प्रीत कर बाल की तन सुमन माल जिम कंठ ते गिर तन जान। सब भगवान के चरण चाहते हैं, कोई भगवान का मुख नहीं देखता, सब चरण चाहते हैं। क्योंकि समस्त साधना भगवान के चरण में है। तपश्चर्या शरणागति भाव कहाँ? शरण चरण शरण सबको चाहिए। आप जिसका नाम लेंगे वो यही चरण में आएगा। चरण ही मंगल करते। कितने प्रसंग आप लेते रहिए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।